नमस्कार दोस्त। आज से हम लोग मध्य प्रदेश की एक नई श्रृंखला आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश करंट अफेयर डेली का हम लोग अपडेट करेंगे। और आज इस श्रृंखला का पहला दिन है, पहला अवसर है। आज हम लोग जो है 24 दिसंबर 2018 से मध्य प्रदेश करंट अफेयर को आरंभ करेंगे। तो आज की सबसे पहली खबर हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग देखेंगे 24 दिसंबर से मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले स्थित तानसेन मकबरे में मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और तानसेन समारोह का आयोजन ये प्रति वर्ष होता है और हम लोग देखेंगे 4 दिवसीय समारोह है और इसमें 4 प्रकार की प्रस्तुतियां हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे गमक नामक प्रस्तुति होती है, जो कि एक उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे तानसेन के मकबरे में दूसरी प्रस्तुति का आयोजन करा जाता है। उसके बाद में ग्वालियर जिले के पास में हम लोग देखेंगे जहाँ तानसेन की समाधि है, तानसेन की जन्मस्थली है बेहट, वहाँ पर इस तानसेन समारोह की अंतिम प्रस्तुति करी जाती है। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले ग्वालियर किले में गुजरी महल है, वहाँ पर तानसेन समारोह का यहाँ पे समापन किया जाता है। तो ऐसा हम लोग देखेंगे 24 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक ये 4 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। और सबसे बड़ी बात हम लोग देखेंगे इस वर्ष के लिए 2018 के लिए राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण, ये मशहूर सितार वादक मंजू मेहता को ये जो है अलंकरण दिया जाता है। तो इस वर्ष के लिए राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण सितार वादक मंजू मेहता को दिया गया। इसी के बाद में हम लोग दूसरी खबर पर चलते हैं कि दूसरी खबर भोपाल जिले से है। भोपाल जिले की बात करें हम लोग तो भोपाल जिले में जब भोपाल 1972 में सीहोर जिले का एक सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी, उसके बाद में 1972 में इसको जिले का खिताब दिया गया, जिला बनाया गया। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि भोपाल जिले में 1972 से केवल 2 ही जिले अस्तित्व में थे, एक था बैरसिया जिले ने तहसील, 2 ही तहसील अस्तित्व में थी, एक बैरसिया और एक हुजूर। तो करंट की खबर ये है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग ने भोपाल की तीसरी तहसील को मंजूरी दी है, जिसका नाम है कोलार। तो ये कोलार तहसील 1 जनवरी 2019 से अस्तित्व में आ जाएगी और उसके बाद में भोपाल जिले में हो जाएगी 3 तहसील, बैरसिया हुजूर के साथ में कोलार का। कोलार भोपाल की नई तहसील है, कुल मिला के 3 तहसील। तीसरी बात करें तो हम लोग देखेंगे 27 तारीख से लेके 28 तारीख तक 3 तारीखों में हम लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश के जो निवाड़ी अभी हाल ही में बाबरपा जिला बना है छतरपुर से काट के, वहां पे ये 27, 28, 29 3 दिवस में गढ़कुंडा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और ये गढ़कुंडा महोत्सव जो है वो निवाड़ी में एक शहर है गढ़कुंडा, और गढ़कुंडा की जो स्थापना की थी वो महाराज खेस सिंह खंगार के द्वारा की गई। तो महाराज खेस सिंह खंगार की जयंती को हम लोग जो है यहाँ पे गढ़कुंडार महोत्सव के रूप में आयोजित करते हैं, उसका समारोह किया जाता है, 3 दिवसीय समारोह है। और ये गढ़कुंडार जो किला है, गढ़कुंडार किला भी हम लोग देखेंगे महाराज खेस सिंह खंगार ने बनाया था और इसकी ये जो है इसकी ईयर है 1182। तो खेस सिंह खंगार ने 1182 में गढ़कुंडार किले का निर्माण किया। तो यहाँ पे सवाल ये आएगा कि अभी हाल ही में गढ़कुंडार महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया, निवाड़ी में, ये कितने दिवसीय था, 3 दिवसीय था। गढ़कुंडार का किला कहाँ पर है, निवाड़ी में है। और गढ़कुंडार की बात करें तो इसका निर्माण कब किया गया, 1182 में, किसने करवाया, महाराज खेस सिंह। और ये गढ़कुंडार महोत्सव किसके लिए है, मतलब किसकी जयंती पर है, महाराज खेस सिंह खंगार, और खेस सिंह खंगार ने ही इस किले और गढ़कुंडार राज्य की नींव रखी। इसके बाद में चौथी खबर पर हम चलते हैं कि हम लोग देखेंगे ये धार में, धार के मांडू में मांडव उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और हम लोग देखेंगे ये 24 से लेके ये 30 तारीख तक ये चलेगा, 6 दिवसीय एक समारोह होता है।
मांडव उत्सव का आयोजन हम लोग देखेंगे, ये आज से आरंभ हुआ है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे गायन, वादन, नृत्य, साहसिक गतिविधियां इसमें की शामिल रहेंगी। और इसका जो समापन होगा वो हम लोग देखेंगे धार में जो असरफी महल है, असरफी महल के सामने। देखिए यहाँ पर दो चीजें ध्यान में रखने वाली है कि तानसेन समारोह का समापन हम लोग करते हैं ग्वालियर किले के अंदर गुजरी महल में, जबकि हम लोग देखेंगे यहाँ पे मांडव उत्सव का समापन होता है असरफी महल में। तो ये हम लोग देखेंगे तानसेन समारोह और ये आपका मांडव उत्सव। इसके बाद 5वें नंबर की खबर आ रही है, 5वें नंबर की खबर है कि 25 दिसंबर, अभी तक हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2014 में 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा सरकार के द्वारा करी गई थी। लेकिन हम लोग देखेंगे ध्यान देना है, सुशासन दिवस पहला सुशासन दिवस 2014 में मनाया गया 25 दिसंबर को। लेकिन हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश में यूपीए की सरकार आ चुकी है, यूपीए की सरकार ने एक नया निर्णय लिया है कि दिसंबर को, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के साथ साथ अब 25 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में सुशासन सप्ताह भी मनाया जाएगा। भारत में पहला सुशासन सप्ताह कौन से वर्ष में मनाया जा रहा है, 2018। तो ये निर्णय है मध्य प्रदेश की सरकार का, यूपीए की सरकार का। 6वें नंबर की बात करें कि जब हम लोग देखेंगे कि जैसे ही नई सरकार आई, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में सबसे पहला जो योजना जो में बदलाव आया वो योजना में बदलाव ये था कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की जो राशि है वो 26,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दी गई है। और इसका सबसे पहला हम लोग वितरण देखेंगे, इसका प्रथम वितरण हम लोग देखेंगे अभी हाल में धार जिले में, कन्याओं की शादी कराकर वहां पे जो है कि 51,000 रुपए का वितरण किया गया। अच्छा एक बात और है, 51,000 रुपए के वितरण में हम लोग देखेंगे 42,000 जो है वो कन्या को दिए जाएंगे, जैसे 5,000 का सामान दिया जाएगा और 3,000 जो आयोजक होंगे उनको दिए जाएंगे। इस तरह से ये 51,000 राशि का वितरण किया जाएगा। और ये पहला वितरण हम लोग देखेंगे, यानी कि राशि 26 से बढ़ के 51 हो गई है, 51,000 राशि का पहला वितरण धार जिले में यहाँ पर कन्याओं की शादी करा के उनको वितरित किए गए। इसके बाद में अगली खबर में देखेंगे कि अभी वर्तमान में हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव है वो है बसंत प्रताप सिंह, बीपी सिंह। लेकिन उनका कार्यकाल हम लोग देखेंगे अभी दिसंबर 31 दिसंबर में समाप्त हो रहा है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे सरकार ने जो है कि घोषित करा है कि अगले जो मुख्य सचिव होंगे वो हम लोग देखेंगे एसआर मोहंती, यानी कि सुधीर रंजन मोहंती। तो सुधीर रंजन मोहंती मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव के रूप में काम करेंगे, वो 1 जनवरी से पदभार को ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पे सवाल आएगा कि वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह है लेकिन अगले हमारे जो है वो सुधीर रंजन मोहंती है। यहाँ पे दो तीन चीजें और अपन देखें कि यहाँ पे जैसे मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव है वो एच वी कामत थे, उसके बाद में अपन देखेंगे पहली महिला मुख्य सचिव मध्य प्रदेश की निर्मला बुच रही है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे सवाल। तो ये आज की हमारी मेरी कोशिश थी कि